एक अद्भुत सफर की महज यह शुरुआत है। अभी तो बस दो पन्ना पढ़ा है, आगे एक पूरा अध्याय है। माँ गंगा के आलिंगन में लिपटा साहिबगंज जिला प्रकृति की असीम कलात्मकता का प्रमाण है। यहाँ की सुंदरता का हर स्पर्श समय से परे है, जो आश्चर्यजनक है एवं आकर्षण के सार को प्रतिबिंबित करता है। यह एक ऐसा जिला है जहाँ कालातीत अनुग्रह की अनेकों कहानियाँ मौजूद हैं। यह एक ऐसा अनोखा परिक्षेत्र है जहाँ प्रकृति स्वयं कलाकार है और हर मोड़ कला का एक बेमिसाल साक्ष्य। उधवा के पक्षी अभयारण्य की मंत्रमुग्ध कर देने वाली फिजाओं से मंडरो के जीवाश्म पार्क में मौजूद प्राचीन जीवाश्म तक हर कोना अनंत काल की गाथा सुनाता है। गंगा के तट पर स्थित राजमहल कभी अपने शाही मामलों के लिए प्रसिद्ध था। यह मनमोहक क्षेत्र तत्कालीन बंगला सूबा की राजधानी हुआ करता था, जिसे मुगल बंगाल के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ मुगल गवर्नर मानसिंह के अधीन आज के बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा राज्य शामिल थे। मानसिंह के शासनकाल के दौरान बंगाल के नवाबों ने कई मस्जिद, महल, बरादरी आदि का निर्माण करवाया, जो प्राचीन काल के वास्तुशिल्प पूर्णता के उदाहरण थे। ये संरचनाएं राजमहल के परिदृश्य की शोभा बढ़ाने वाली वास्तुशिल्प प्रतिभा का प्रमाण थी। हालांकि समय के साथ उन गौरवशाली दिनों की गूंज फीकी पड़ गई और राजमहल अब इस शानदार स्मारकों के खंडहर के बीच खड़ा है। हर ढांचे के अवशेष बीते युग की कहानियां सुनाते हैं और हमें उस राजसी वैभव की याद दिलाते हैं जो कभी इस ऐतिहासिक क्षेत्र को परिलक्षित करता था। इन इमारतों में मुख्य रूप से शामिल है सिंघी दलान। कहा जाता है कि सिंघी दलान का निर्माण या तो 16वीं शताब्दी के अंत में बंगाल में मुगल सम्राट अकबर के वायसराय राजा मानसिंह प्रथम द्वारा या 17वीं शताब्दी के मध्य में मुगल सम्राट शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सूजा द्वारा करवाया गया था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सिंघी दलान का दर्जा भी काफी खास है। के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था, लेकिन कुछ ऐसे भी दस्तावेज हैं जिसमें ये कहा गया है कि शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सूजा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। फिलहाल यहाँ पर नगर निगम द्वारा एक पार्क का निर्माण किया गया है, जिस कारण यहाँ पर लोग समय व्यतीत करने तो आते ही हैं, उसके साथ जो कुछ भी इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ है उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। गंगा घाट के किनारे बसा हुआ है, इस कारण इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। 1850 के दशक तक अंग्रेज इसे ईस्ट इंडियन रेलवे के जिला अभियंता के निवास स्थान के रूप में उपयोग करते थे। राजमहल शहर में गंगा के तट पर खड़ी यह इमारत आज एक संरक्षित स्मारक है। सिंघी दलान राजमहल शहर के बीचों बीच मुगल काल के दौरान बनाया गया था। अपनी विशिष्ट वास्तुकला की वजह से सिंघी दलान गंगा का एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। यह संरचना गंगा नदी के तट पर 300 मीटर की लंबाई में फैली हुई है। इस स्थान पर ब्रिटिश अधिकारियों की कुछ कब्रें भी है, जिस पर उनके नाम, अवधि और पद का स्पष्ट उल्लेख है। यह सिंघी दलान अकबर बादशाह का बना हुआ है, जिसका देखरेख मानसिंह करता था और ये गंगा किनारे में बसा हुआ है। हाँ, यहाँ नगर पंचायत द्वारा साफ सुथरा के लिए एक पार्क बना दिया गया है, ताकि इसका मेंटेनेंस नगर पंचायत कर रही है। यहाँ विदेश से बहुत आदमी आते जाते रहते हैं, सुकून के लिए यहाँ आते हैं, जैसे लोकल आदमी हैं यहाँ लोग आता है जाता है। यहाँ से एक ठो गेट हुआ करता था, यहाँ से बड़ा द्वार जो मंगल हाट है वहाँ से, लेकिन अभी बंद है बहुत दिन से, हम लोग देखे नहीं हैं, लेकिन पहले एक आदमी से सुने हैं कि बड़ा द्वार ही है। ये बहुत चर्चित है, विदेश से बहुत आदमी, जैसे झारखंड आना होता है तो वो जरूर राजमहल आता है, आके सिंघी दलान में अपने दर्शन करता है। यह दालान मुगल कालीन स्थापत्य कला का एक जीवंत नमूना है। इसके बारे में ब्रिटिश विद्वान फ्रांसिस फुकानी ने भी काफ़ी विस्तार में चर्चा किया है। यहाँ पर प्रवेश द्वार में काले पत्थरों से 3 द्वार बनाया गया है और 12 खंभों के मदद से इसे स्थापित किया गया है। बताया जाता है कि इसका इस्तेमाल बंगाल सूबेदार दीवाने खास के रूप में किया करते थे। सदियां भले ही बीत गई, लेकिन राजमहल में कुछ इमारतें आज भी तत्कालीन साक्ष्य के रूप में कायम है। जामी मस्जिद निर्माण के अरसों बाद भी बड़ी शान से अपनी दास्तान बयां करता है।
जामी मस्जिद का निर्माण 16वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में सम्राट अकबर के गवर्नर राजा मानसिंह द्वारा करवाया गया था। यह एक ऊंची भूमि पर स्थित है जिसे हदफ के नाम से जाना जाता है। हदफ एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है लक्ष्य यानी निशाना। स्थानीय लोगों द्वारा इसे जामी मस्जिद कहा जाता है। I want to say about the history of this Jami Masjid Hadaf. This is built by Mansingh, Raja Mansingh, Army Commander in Chief of Akbar in 1592 AD. This is basically the dwelling place of armies, and a prayer hall is also there that is used by the armies for prayer purpose. 2003 से पहले जब से ASI सर्कल रांची इनको हैंड ओवर किया था, उससे पहले जो है ये काफ़ी जर्जर अवस्था में था, और इसका जो मेंटेनेंस वर्क है ASI रांची सर्कल कर रही है, और इसको हम लोग कोई क्षतिग्रस्त ना करें इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पे टूरिस्ट जो है ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड से भी आते हैं, फॉरेनर्स भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पश्चिम में एक बड़ा प्रार्थना कक्ष है और एक विशाल प्रांगण है जो एक ऊंची परिसर की दीवार से घिरा हुआ है, जिसके अंदर की तरफ मेहराबदार ताखे हैं, और इसके उत्तर, दक्षिण और पूर्व में 3 प्रवेश द्वार हैं। अंतिम भाग में मुख्य प्रवेश द्वार है जिसके सामने एक बरामदा है। मस्जिद के प्रार्थना कक्ष में एक बड़ा केंद्रीय हॉल है जो बड़ी खिड़कियां और उनके नीचे निस्तार बने हुए मुंडेर द्वारा उत्पन्न प्रभाव के कारण बाहर से 2 मंजिला दिखता है। हम राजनगर से आए हैं और मेरे भाई बहन के साथ आए हैं। ये जगह बहुत अच्छा लगा, बहुत साफ सुथरा है ये जगह, और बहुत अच्छा जगह है, बट घूमने में भी अच्छा लगा। आप लोग भी आ सकते हैं घूमने के लिए, बहुत सारा चीज़ है देखने के लिए। ये जामा मस्जिद है, और भी बहुत सारा पेड़ पौधे हैं देखने के लिए। वो ये जामा मस्जिद है, हम लोग घूमने आए हैं, और अच्छा जगह भी है। हम लोग इस्कॉन मंदिर से होते हुए आए, वो कृष्ण भगवान जी का मंदिर है। बच्चे के साथ आए हैं, घर परिवार सब फैमिली मिल के आए हैं, बहुत अच्छा लगा, अच्छा जगह है, बहुत अच्छा लगा। पुराना जगह है, पुराना इमारत का सब ईंटा, छोटा छोटा ईंटा का बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर आकर अच्छा लगा है, बहुत अच्छा है। मम्मी पापा के साथ आए हैं, अंदर जाकर अच्छा लगा है। बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पर घर है, पेड़ है, सब कुछ है। यहाँ का भी बहुत अच्छा है, ये साहेबगंज का लोकप्रिय जगह हुआ, और यहाँ पे सभी का आमंत्रण है, हम लोग हमेशा आते हैं। उस तरह सभी को आना चाहिए, साहेबगंज का भ्रमण करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो कि अतिथियों के लिए आने जाने का सुविधा है, देख रेख है, सुरक्षा है, और यहाँ का कल्चर भी बहुत सुंदर है। मैं यहाँ SIS सिक्योरिटी में जामी मस्जिद में कार्यरत हूँ। ये साहेबगंज जिला के राजमहल प्रखंड के अंतर्गत मंगलहाट में जामी मस्जिद स्थित है। ये जामी मस्जिद राजा अकबर के ज़माने में राज्यपाल मानसिंह द्वारा बनवाए गए थे। ये सन 1592 ईस्वी में बनाए गए थे। इसके पीछे एक मंदिर भी है, और ये बहुत दूर दूर के टूरिज्म आते हैं, यहाँ से विदेशी भी आते हैं, फॉरेनर भी आते हैं, और यह बहुत दर्शनीय जगह है। यहाँ से सब आप लोग आ सकते हैं और इसका लुत्फ उठा सकते हैं। माना मैं तुम्हारे नए शहर की पुरानी इमारत ही सही, लेकिन लोग आज भी मुझ में अपना बीता हुआ कल ढूंढते हैं। राजमहल में मौजूद ऐतिहासिक स्मारकों में सबसे खास है जामी मस्जिद। जो मस्जिद है, इसका निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था, जो कि अकबर के राज्यपाल थे। ये जो मस्जिद है, ये ऊंचाई पर स्थित है, जिसे कि हदफ कहा जाता है। हदफ का अर्थ होता है लक्ष्य या फिर तीरबान।
जब हम इस मस्जिद में प्रवेश करते हैं तो सबसे इसके सेंटर में एक बड़ा ही भव्य प्रार्थना स्थल है। एक वक्त ऐसा था जब ये महल वैसे जर्जर स्थिति में आ चुका था, लेकिन फिर ASI ने इसे अपने अंतर्गत लिया और वापस से इसे पूर्ण जीवित कर दिया है। आज यहाँ के टूरिस्ट के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड के टूरिस्ट के लिए ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट है, जहाँ पर लोग देश विदेश से आते हैं, यहाँ मौजूद इतिहास को देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं। जामी मस्जिद से कुछ ही दूरी पर स्थित है बारादरी। बारादरी को दक्षिण एशियाई मुस्लिम राजघरानों के बीच एक सामाजिक रुतबा का प्रतीक माना जाता था। इमारत में 12 दरवाजे होते थे, इसलिए इसे बारादरी कहा जाता था। 12 का उर्दू में मतलब होता है 12 और दार का मतलब दरवाजा। बारादरी को नागेश्वर बाग के नाम से भी जाना जाता है। इस इमारत के निर्माण को लेकर हमेशा विवाद रहा है। कुछ विद्वान इसका श्रेय राजा मानसिंह के प्रतिद्वंदी फतेह जंग खान को देते हैं, जबकि कुछ इसका श्रेय बंगाल के नवाब मीर कासिम अली को देते हैं। ऊंची जमीन पर बनी इस इमारत में लगभग 18.10 मीटर लंबे एवं 16.25 मीटर चौड़े मंच पर 9 मीटर ऊंची ईंटों की एक विशाल दीवार है। वर्तमान में दीवार के अवशेषों की ऊंचाई 5 मीटर ही रह गई है। बाड़े के एक कोने पर गार्ड रूम की व्यवस्था के साथ एक गेट है। चूँकि राजमहल जो है ऐसे शुरू से ही हिस्टोरिकल प्लेस रहा है। ब्रिटिश पीरियड में अंग्रेज का जो है यहाँ पर आपका सिंधी लाल में आपका एक बंगलो था, यहीं वो लोग ये रहता था। पुराना अनुमंडल भी आपका संथाल परगना का राजमहल है। यहाँ आके सबसे अच्छा लगा और सबसे अच्छा ब्यूटीफुल जगह है और यहाँ मोती झील में देखे सब कुछ अच्छा था और सबके साथ आने में अच्छा लगा। भाई बहन है, सबको है, टीचर लोग हैं, हमारे गुरुदेव सबको है, सबके साथ अच्छा लगा। बरादरी को नागेश्वर बाग के नाम से भी जाना जाता है। इसके निर्माता को लेकर कुछ विवाद है। कुछ कहते हैं कि राजा मान सिंह के प्रतिद्वंदी फतेह जंग खान ने इसका निर्माण करवाया था 1592 में, तो कुछ ऐसे भी दस्तावेज हैं जहां ऐसा कहा गया है कि बंगाल के नवाब मीर कासिम अली ने 1763 में इसका निर्माण करवाया था। वर्तमान समय में जामी मस्जिद और बरादरी दोनों ही ASI रांची सर्कल के अंतर्गत आता है, जो इसे संरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। इनके द्वारा यहाँ कई आवश्यक जीर्णोद्धार कार्य किए गए हैं। ये संरचनाएं केवल स्मारक नहीं है, ये कलात्मक पूर्णता की फुसफुसाहटें हैं जो आज भी हवा में गूंज रही हैं। आज राजमहल खुद को राजसी स्मारकों के अवशेषों में सिमटा हुआ पाता है। प्रत्येक इमारत अब एक काव्यात्मक साक्ष्य के रूप में मौजूद है, जो इतिहास की तहों में खोए हुए राजसी युग की कहानियां सुनाता है। वर्ष 1820 में विद्वान बकानन ने इस स्थल का भ्रमण किया और उसे पूर्णतया जीर्णास्था में पाया। इसकी एक वजह यह भी है कि उस वक्त इसकी छत की लकड़ियां राजमहल के नवाब रकुनुद्दौला के मकान के निर्माण में इस्तेमाल की गई थी। फिलहाल ये जो स्ट्रक्चर है ये ASI के अंडर आता है और उन्हीं के द्वारा इसका संरक्षण किया जा रहा है। साहिबगंज का इंद्रजाल यहाँ स्थित मोती झरना में नजर आता है। मोती झरना साहिबगंज जिले के तालझारी प्रखंड में तालझारी ग्राम से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झरना राजमहल नामक पहाड़ियों से 3 भागों में विभाजित होकर गिरता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 50 मीटर है। इस झरने के निकट एक गुफा है जहाँ एक शिव मंदिर स्थित है, जिसे मोतीनाथ भी कहते हैं। इसी कारण इस झरने का नाम मोती झरना पड़ा। ये जो झरना जो है यहाँ से 8 किलोमीटर आगे पहाड़ी पर से पहाड़ से फूट करके निकलते हैं, पहाड़ की ओर निकल करके और घूमते हुए आकर के फिर ये जल प्रवाह इस धाम पर गिरता है। यहाँ से सीधे उत्तर वाहिनी गंगा में जाके मिल जाते हैं और ये मोतीनाथ धाम इसलिए पड़ा कि ये जल जो हमारे जो प्रवाह हो रहे हैं मोती की तरह झरझर करके गिरते हैं,
इसी के चलते इसका नाम मोतीनाथ धाम है। इसका प्राचीन नाम अर्धनागेश्वर धाम है, जो पूर्व काल में प्राचीन जमाने में इसका नाम अर्ध, क्योंकि ये जो मैया पार्वती और शिवलिंग आधे आधे है यहाँ दो भाग में, तो उसको नाम को नया नाम जो बनने के समय में नया नाम मोतीनाथ धाम दिया गया ये जल के नाम से। यहाँ लगभग 45 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन ये 2017 से कमेटी हमको रखी है। माइक लेकर के अच्छा सबको अच्छे बात बताता हूँ, यहाँ के सुरक्षा संबंधी बात बताता हूँ, यहाँ किस लिए आए हो ये सारी बात बताता हूँ। हम आदमी हैं, हम आपस में प्रेम होना चाहिए, ये धर्म स्थल है, इसका सुरक्षा हम सब मिलकर के करेंगे। कोई गार्ड यहाँ नहीं है, अभी तक गार्ड का जरूरत है, लेकिन सरकार इसमें ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ गार्ड का जरूरत है। जितना आदमी यहाँ आने लगे हैं गार्ड का जरूरत है। जिसमें अर्धनारीश्वर भोलेनाथ का निवास है, सभी प्रकार की कामनाएं यहाँ से पूरी होती है, जो जिसने मांगा है यहाँ जो यहाँ पूर्ण हुआ है, साल दो साल चार साल में पूर्ण हुआ है। और ये केला का पेड़, ये केला होता है, ये बंदर हनुमान की सेवा के लिए समिति किसी को काटने नहीं देती है, समिति इसका सुरक्षा कर रही है, यहाँ गार्ड का जरूरत है। पर्यटन विभाग ने पर्यटकों को लुभाने के लिए कई तरह के कार्य किए हैं जो काफी सराहनीय है। कई जानवरों की मूर्तियां, वॉच टावर, बैठने के लिए सीट इत्यादि बनवाए गए हैं। इनके अलावा छोटे बच्चों के लिए झूले की व्यवस्था भी है। हम लोग यहाँ पे पहली बार घूमने आए हैं अपने सिस्टर के साथ, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा बहुत अच्छे अच्छे पहाड़े, पहाड़ से पानी चूरा, यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, और हम लोग ने यहाँ पानी में बहुत मस्ती करी, बहुत इंजॉय करी, यहाँ पे बहुत सारे झूले हैं, यहाँ पे घूमने में बहुत अच्छा लगता है। और ये इस जगह को मोती झरना नाथ कहते हैं, यहाँ एक मंदिर है और सुंदर सा वाटरफॉल है, वो बरसात के मौसम के दिन में बहुत पानी बाढ़ के तरह आ जाता है, उसके बाद यहाँ बहुत लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं देखने के लिए, और कोई त्यौहार के दिन यहाँ बहुत भीड़ लगता है। मैं अक्सर यहाँ पर घूमने आया करता हूँ, ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही प्राचीन काल का मंदिर है, लोग यहाँ अक्सर अपने फैमिली के साथ आते रहते हैं, तो आप लोग भी आकर यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ हवा प्रकृति की मीठी खुशबू से सराबोर है, और गिरते पानी की वाद्य रचना एक ऐसा संगीत सुनाती है जो न केवल कानों में बल्कि आत्मा में भी गूंजती है। मोती झरना प्रकृति की सुंदरता और आध्यात्मिक मान्यताओं का एक अद्भुत संगम स्थल है। यहाँ का देखरेख और भी कुछ कार्य यहाँ रहते हैं और करते भी हैं, और यहाँ का मुख्य समस्या है सड़क की समस्या, सड़क को बड़ा किया जाए, फिर से नया रिपेयरिंग किया जाए, ताकि लोग जो आते हैं यहाँ पर उसको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, समस्या का सामना करना पड़ता है, और दूसरी कि जो पर्यटन घूरने आते हैं उसके लिए जो देख रेख गार्ड की व्यवस्था किया जाए, और यहाँ पर लोग रहें, और मिलनी जो यहाँ की और एक समस्या कि जो झरने के सावन के समय में पत्थर बहुत ज़्यादा गिरती है, तो गार्ड वाल का व्यवस्था अगर सरकार की तरफ से किया जाए तो अच्छा ही होता, और ताकि सबसे समस्या कि पत्थर जो अचानक गिरता है लोगों को वो एक समस्या है, और इसको और डेवलप किया जाए तो और भी यहाँ पर जो लोग घूरने के लिए आते हैं पर्यटन लोग और भी ज़्यादा संख्या पर आए। वाकई हमारे राज्य पर प्रकृति मेहरबान है, तभी तो यहाँ पर एक से बढ़कर एक पर्यटन स्थान है। फिलहाल जिस जगह पर हम मौजूद हैं इसे मोती झरना कहते हैं। मोती झरना इसलिए क्योंकि ऊपर से जब पानी गिरता है तो ऐसा लगता है मानो मोती की छोटी छोटी बूंद गिर रही हो। पानी यहाँ पर लगभग 50 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। पास ही में शिवनाथ धाम भी है जिसे मोतीनाथ धाम भी कहते हैं। यहाँ पर भगवान शिव को पूजा जाता है। पर्यटक यहाँ पर न केवल साहिबगंज या फिर झारखंड से बल्कि पूरे देश से पहुँचते हैं। कुछ यहाँ झरने की खूबसूरती का आनंद उठाते हैं, तो कुछ यहाँ पर बाबा के दर्शन को आते हैं।
साहिबगंज में स्थित मंदिर प्राचीन मान्यताओं के जीवित प्रमाण के रूप में खड़े हैं। ये पवित्र स्थान युगों से परे आध्यात्मिकता की कहानियां बयां करते हैं। शुक्रवासिनी मंदिर, जहां मां की पूजा अर्चना करीब 200 सालों से की जा रही है, आज श्रद्धा और विश्वास का पर्याय बन चुकी है। यहां एक पेड़ के जड़ की पूजा होती है। जड़ के आसपास काफी गड्ढा है जहां मां को दूध व गंगा जल अर्पित किया जाता है। मां के बारे में बताया जाता है कि मां शुक्रवासिनी दुग्ध चढ़ाने से अति प्रसन्न होती हैं और लोगों की मनोकामना पूरी करती हैं। बहुत जंगल घर सब आगे मंदिर बनाया तो आता तो बाहर चल जाती है। बहुत मेला लगते था, मेला सब पार्टी पार्टी में भाग गया हिंदू मुसलमान से। और अभी बैसाख महीना मेला लगता है, बैसाख महीना हर शुक्र का मेला लगता है, बहुत भीड़ रहता है, बहुत लोग आता है। बरहड़वा के शुक्रवासिनी मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास चल रहा है। शुक्रवासिनी मंदिर में बीते 200 वर्षों से यहाँ माँ की पूजा अर्चना होती चली आ रही है। यहाँ पेड़ की जड़ की पूजा की जाती है। पहले नीम और असिया की झुरमटों में पूजा होती थी, लेकिन फिर 1971 में यहाँ के एक स्थानीय निवासी के स्वप्न में माता आई और उसके बाद 78 में यहाँ पर एक झोपड़ी का निर्माण किया गया। तब से लेकर आज तक जितने भी श्रद्धालु हो यहाँ पर मंदिर में आते हैं और फिर जड़ में या तो दूध या फिर जल डालकर माता की पूजा अर्चना करते हैं। इस जिला में स्थित रक्सी स्थान आस्था और विश्वास का पवित्र कुटुंब है। यह मंदिर मंडरो ब्लॉक में तेलियागढ़ी किले के ठीक पश्चिम में करमटोला रेलवे स्टेशन के करीब स्थित है। इस मंदिर को आदिवासी और गैर आदिवासियों द्वारा बहुत पवित्र माना जाता है। श्रद्धालुओं के अनुसार मां रक्सी स्थान मंदिर में वन देवी की पूजा मुगल वंश के पहले से होती आ रही है। प्राचीन काल में इसे वन देवी के नाम से जाना जाता था, अब यह राक्षसी माँ के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है यहाँ पर यही है कि यहाँ पर रक्षी माई गढ़ी बाबा का पूजा होता है। ये जंगल का देवता है। यहाँ पर घर जो मंदिर जो बनाने के लिए चाहता है तो मंदिर नहीं बनता है। यहाँ पर उनको सपना दे देता है कि हम जंगल का देवता है, हम यहाँ पर जो सो घर में नहीं रहेंगे, आम खुलाम रहेंगे। हम जो घेरा देने के लिए बोलता है कबाड़ी देते हैं, कुकुर बिलाई नहीं घुसेगा, वो भी बोलता है कि अब हम ऐसे रहेंगे, कुकुर बिलाई जो उसको भी पूजा होता है। हम लोग रक्सी माँ स्थान में हमेशा आते जाते हैं, अगल बगल में है और इसका करमतला के मिर्जा चौक की करमतला के बीच में है। इनको सब जो है ना टोटल जितना भी आदमी है इनको मानते हैं कि बहुत शक्ति स्थान है, इसके लिए पूजा करना चाहता आदमी आता है, पूजा करता है, खा पी के जितना भी है यहाँ से जाता है। प्राचीन मान्यताओं और भक्तों की अटूट श्रद्धा और विश्वास के कारण आज भी यहाँ मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त माता की चरणों में बलि भेंट करते हैं। यहाँ हवा अपने संग धूप की मनमोहक सुगंध साथ लाती है और हर दिशा उन तीर्थ यात्रियों की प्रार्थनाओं से गूंजता है जो इन मंदिरों के आलिंगन में माता के दर्शन कर अपनी मुराद पूरी होने की आशा लिए पहुंचते हैं। रक्षी स्थान मंदिर साहिबगंज के सबसे पौराणिक मंदिरों में से एक है। यहाँ श्रद्धालु अपनी इच्छा के पूर्ति के लिए बरगद के पेड़ पर मनोकामना मणि बांधते हैं। इनके द्वारा बताया जाता है कि यहाँ वन देवी की पूजा मुगल शासन से होती चली आ रही है। एक बार जब श्रद्धालुओं की इच्छा पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पर आते हैं, मनोकामना मणि को उतारते हैं और उसके बाद यहाँ पशु बलि दी जाती है। खासकर शनिवार और मंगलवार के दिन भारी मात्रा में श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ जुटती है। साहिबगंज जिला यात्री के हृदय में अंकित एक अमिट अध्याय है, एक ऐसी कहानी है जो यात्रा की समाप्ति के बाद भी लंबे समय तक साथ रहती है। यात्रा भले ही समाप्त हो जाए लेकिन साहिबगंज का जादू हृदय में निवास करता है। यह एक ऐसा जिला है जहां समय ठहरा हुआ प्रतीत होता है और रोमांच की भावना हर मोड़ पर एक शाश्वत साथी बन जाता है। साहिबगंज सिर्फ गंतव्य नहीं, यहाँ हर पल को इस प्रकार गढ़ा गया है कि यह जीवन भर के लिए आपके स्मृति का हिस्सा बन जाए।
प्रकृति की बेबाक अदाएं, रूहानियत भरे मठ और मंदिर और उसके साथ ही इतिहास के कुछ अहम दस्तावेज, इन सभी का दीदार करके अब हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। कहते हैं कुछ सफ़र इतने खूबसूरत होते हैं कि अगर मंजिल पीछे छूट भी जाए तो जो स्मृति आप बनाते हैं वो जीवन भर आपके साथ चलती है। साहिबगंज एक ऐसा ही जिला है, भले ही ये गंतव्य पीछे छूट जाए लेकिन जितनी स्मृतियाँ यहाँ बनी हैं, जिस प्रकार ये जिला हर मोड़ पर आपको अवाक छोड़ देता है, वो ज़िंदगी भर आप अपने साथ लेकर चलते हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम उम्मीद करते हैं ये सफ़र जितना खूबसूरत हमारे लिए रहा हो, जितना आनंदमय हमारे लिए रहा, उतना ही आनंद आपको भी हमारे साथ इस सफ़र पर चलकर आया हो।